क्वेश्चन मेकिंग, वी हैवन फ्रागन, वी हैव क्वेश्चंस, देन क्वेश्चंस आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सो डायरेक्ट फ्रागन एंड इनडायरेक्ट फ्रागन. डायरेक्ट क्वेश्चंस आर लाइक वो वॉन्ट्स टू, वो हेयर कॉम्स टू, दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चन. और हैज टू साइट, डायरेक्ट क्वेश्चन. आप डायरेक्ट पर्सन से पूछते हो वो वॉन्ट्स टू, वी हाइज टू, वो हेयर कॉम्स टू, हैज टू साइट, कॉम्स टू मॉर्गन. कल आ रहे हो क्या? कॉम्स टू मॉर्गन. तो ये तो सारे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन. डायरेक्ट क्वेश्चन में टू टाइप्स के क्वेश्चंस हैं. डायरेक्ट में एक है वे फ्राग है. डायरेक्ट में फर्स्ट वन इज वे फ्राग है एंड सेकेंड वन इज जाट्स फ्राग है. वे फ्राग है, जाट्स फ्राग है. वे फ्राग है का मतलब है डब्ल्यू से क्वेश्चन बनाना, डब्ल्यू वर्ड से क्वेश्चन बनाना. लाइक वो हेयर कॉम्स टू, वर्ब इज ऑन सेकेंड पोजिशन. सबसे पहले वे वॉट, वे वॉट का मतलब है डब्ल्यू वर्ड प्लस वर्ब एंड प्लस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया. और जाट्स फ्राग में वर्ब कम्स इन द बिगिनिंग. जाट्स फ्राग और वे फ्राग का फर्क यही है. वे फ्राग में डब्ल्यू वर्ड से बनता है और डायरेक्ट तो क्वेश्चन है ही एक है. डब्ल्यू वर्ड वे वर्ड प्लस वेब ऑन साइट पोजिशन ऑन दन जूबियक टोटल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. इन जाट्स फ्राग दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन बट इन जाट्स फ्राग देर इज वर्ब इन द बिगिनिंग. वर्ब इन द बिगिनिंग उन्दन सब्जेक्ट एंड देन मे बी ऑब्जेक्ट और समथिंग एल्स. इन जाट्स फ्राग आंसर विल बी ऑलवेज या ओर नाइन. जैसे कोई बोले हैज टू साइट, आंसर होगा या इस हैबिट साइट या फिर नाइन इस हैबिट काइंड साइट. सो जाट्स फ्राग का आंसर हमेशा यस नो में होगा और जाट्स फ्राग का क्वेश्चन हमेशा वर्ब से स्टार्ट होगा. ये क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन ही है दोनों, वे फ्राग है जाट्स फ्राग. नाउ वी कम टू इनडायरेक्ट क्वेश्चंस. इनडायरेक्ट फ्राग, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस का मतलब है कि क्वेश्चन तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं है. कई लोग डायरेक्ट नहीं पूछ के उनको लगता है कि इनडायरेक्ट पूछते हैं थोड़ा सा पोलाइट करने के चक्कर में. वो वॉन्ट्स डू इसका मतलब है वेयर डू यू लिव. इनडायरेक्ट में हो जाएगा कि आई वुड लाइक टू नो वेयर डू यू लिव. इश म्योस्ट विशन वो जी वोनन वर्क विल कम एट द एंड. इसके स्टार्ट में आदमी कुछ भूमिका सी बनाता है, उसका अटेंशन एक बार लेता है पहले. इश म्योस्ट विशन इश वाइसनिष्ट, या तो बोलता है इश वाइसनिष्ट या फिर इश म्योस्ट विशन. जागनियर ऑल्सो, जागनियर यस कांस टू मियर जागन. इस हाबे काइना आनुम इस वाइशनेस्ट जाप नियर. मतलब इसमें कुछ न कुछ इस तरह का हम लोग शुरू में बोलते हैं जिससे अपने आप ही हमारी क्यूरियोसिटी दिखे. इस वाइशनेस्ट मुझे पता नहीं इसका मतलब, मैं जानना चाहता हूं शायद, पता करना चाहता हूं. सो इन इनडायरेक्ट फ्राग है इफ द क्वेश्चन, इफ द डायरेक्ट क्वेश्चन इज विद डब्ल्यू वर्ड देन इनडायरेक्ट क्वेश्चन विल बी ऑल्सो विद डब्ल्यू वर्ड.
बट देर विल बी समथिंग इन द बिगिनिंग. Kannst du mir sagen, ich weiß nicht, hast du Ahnung? So, ich weiß nicht. Wo du wohnst, verb will come at the end. Ich weiß nicht, wo du wohnst. Isme question mark bhi nahi aata. Indirect frage mein, there will be just full stop. Ich möchte wissen, wo du wohnst. Sag mir, wo du wohnst. If direct question is jats frage, agar ye direct wala question we frage nahi hai, kyunki we frage hoga to we word se hi, wo ka wo hi w word aa jayega, verb will come at the end. But if it is जाच फ्रागे देन ओब इज रिक्वायर्ड. जैसे हैज टू साइट, डू यू हैव टाइम, इसमें भी इनमें से कोई ले लेंगे. जानमियर, जानमियर ओब डू साइट हास, बताना मेरे को तेरे को टाइम है क्या. कॉम्स टू मॉर्गन, इश म्योस्ते विशन ओब डू मॉर्गन कॉम्स. Ich weiß nicht, ob du morgen kommst. Ich weiß nicht, ob du morgen kommst. So, इसमें भी पहले कुछ ना कुछ आपने लिखा, comma and after comma always ob. अगर जाच फ्रागे है तो, जाच फ्रागे का मतलब है कोई भी वर्ब जो शुरू में आ रही है. जैसे मैं बोलूं खाना खा लिया, हैज टू गेगेशन, तो हैज टू गेगेशन, हैज टू गेगेशन वर्ब आई ना शुरू में. इश म्योस्ट विशन ओब डू गेगेशन हास्ट, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया. यस, इफ इट इज जाच फ्रागे देन इमर ओब. Always ob, if it is jats frage, and if it is we frage, then depends whatever question word is there. The same question word will come. Yep. Has to gegation. खाना खाया तुमने? कैसे बनेगा? Has to gegation. This is direct question. But here, ich möchte wissen. Ich will wissen, ich möchte wissen, ob du gegessen hast. So das ist Fragen, indirekt Fragen. Klar? Itna hi hai bas. Yeah. Is pe depend karta hai ki jo bhi we frage hai. Where, when, was, we, warum, whatever question. For example, कोई बोले warum comes to? Ich möchte wissen, warum du kommst? तुम आ क्यों रहे हो? तुम आ क्यों रहे हो? Ich möchte wissen. तुम मैं जा कहाँ रहे हो? मैं ये जानना चाहता हूँ तुम जा कहाँ रहे हो? Ich möchte wissen. Wohin du gehst? So wohin? Ich möchte wissen, was du trinkst. मैं जानना चाहता हूँ तू पीता क्या है? Ich möchte wissen, was du trinkst. इसमें trinkst du? Ich möchte wissen, ob du trinkst. अगर trinkst du आया तो ये डिपेंड करता है जाच फ्रागे है या वे फ्रागे. जाच फ्रागे में हमेशा वर्ड शुरू में आती है, तो वे फ्रागे उसका बनेगा तो हमेशा ही ओब से बनेगा. ओब ऑर्डर वे वर्ड, बस इतना ही है. जाच फ्रागे, वे फ्रागे.